अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी होंगे। मैं डॉक्टर जौहर, अपने चैनल डॉक्टर जौहर एंड होम्योपैथी में आपको खुश आमदेद कहता हूं, और उन तमाम दोस्तों का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियो को सराहा। इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी नॉलेज में इंशाल्लाह ताला इजाफ़ा करेंगी और बहुत इंटरेस्ट का बायस आपके लिए बनेंगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। ये मतलब ये कहना चाहिए कि शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड ना हो, जिसको हम कहते हैं हेयर फॉल। हेयर फॉल का प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है कि ऑलमोस्ट सब लोग इससे अफेक्टेड हैं, ख़ास तौर से जो मेट्रोपोल सिटीज़ में लोग रह रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। जैसे कराची जैसे शहर में लोग जो रहते हैं तो यहाँ तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा कॉमन है कि शायद ही कोई इससे बचा हुआ हो। तो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है ये आज की वीडियो इसी के ऊपर है दोस्तों। थोड़ा सा ये आज की वीडियो थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसमें हम आपको कंप्लीट नॉलेज देना चाहेंगे और शॉर्ट में करके, जिससे आपको पता चले कि हेयर फॉल क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसके रीज़न्स क्या हैं, किन लोगों में होता है और हेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको भी समझना है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाएँ हैं जो हेयर फॉल के अंदर बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ज़रा लंबी वीडियो है, लेकिन हमारी वीडियो आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ों की मालूमात होगी और बहुत सारी मेडिसिन के बारे में आपको पता चलेगा। एक सर्वे जब किया गया दोस्तों तो पता ये चला कि तकरीबन 85% जो हैं वो मैन और 45% जो हैं वो वुमेन हेयर फॉल से अफेक्टेड हैं। तो दैट्स अ बिग रेशो। और इसके बाद हेयर लॉस जो है वो इतनी, यानी कि ये कहना चाहिए कि हेयर लॉस आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, क्योंकि हेयर जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये सोचें कि अगर किसी हैंडसम बंदे को गंजा कर दिया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी हाफ़ रह जाती है, बल्कि लेस देन हाफ़ हो जाती है। इसी तरह अगर किसी खूबसूरत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लड़की को गंजा कर दिया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी भी हाफ़ हो जाती है। तो हेयर जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट हेयर स्टाइल बना के हम अपने आप को खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पर्सनैलिटी के अलावा दोस्तों हेयर जो है हमारे करियर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हेयर फॉल्स होने लगते हैं तो इंसान का कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है, और जब कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो फिर उसके करियर में प्रॉब्लम आते हैं, यानी कि एक ब्राइट करियर फिर वहाँ पर नहीं रहता। और तो और दोस्तों हेयर फॉल जो है वो हमारी पर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर किसी फीमेल से पूछा जाए कि उसको गंजा शौहर चाहिए या गंजा हस्बैंड उसको कैसा लगता है, या किसी लड़की से पूछा जाए कि उसको गंजा बॉयफ्रेंड कैसा लगता है, तो डेफिनेटली ज़्यादातर का जवाब यही आएगा कि नहीं, गंजा नहीं, बाल वाला शौहर या बाल वाला जो है वो बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तो हेयर फॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए हमारी पर्सनैलिटी से लेकर और हमारे पर्सनल रिलेशन तक जो है ये अफेक्ट करता है। और थोड़ा सा एक बात और है दोस्तों कि हम लोग ये समझते हैं कि हेयर फॉल जो है वो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से हम फिर पार्लर टू पार्लर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और नतीजा उसका ये होता है कि वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि हेयर फॉल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम। हेयर फॉल इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर फॉल एंड होम्योपैथी। डॉक्टर जौहर एंड होम्योपैथी। डॉक्टर एम ए जौहर, BHMS, DMT, CHHC, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड एनाटॉमी। एक स्टडी के मुताबिक दोस्तों ये देखा गया है कि रोज़ आना हर इंसान के बाल थोड़े बहुत गिर जाते हैं, और कुछ लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि तकरीबन 50 से लेकर 100 तक
हेयर अगर रोज़ाना गिर जाते हैं, फॉल्स होते हैं, तो दैट इज़ नेचुरल फिनोमिना। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत बाल हर इंसान के रोज़ाना गिरते हैं, तो 50-200 भी अगर आपके रोज़ाना बाल गिर रहे हैं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, हेयर फॉल जो है, देखा गया है कि तकरीबन 40% जो है वो किसी ना किसी फिज़िकल डिसऑर्डर्स या किसी ना किसी डिज़ीज़ के बायस, किसी ना किसी प्रॉब्लम के बायस जो है हेयर फॉल जो है वो रिज़ल्ट में आता है। तो सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि व्हाट इज़ हेयर फॉल, हेयर फॉल है क्या एंड हाउ इट इज़ अकर, और ये किस तरह से होता है। इसको देखने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले हेयर का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट में कि हेयर का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से जो है हेयर की साइकिल चलती है, जिस तरह वो ग्रो होता है। तो मैं ये लैपटॉप के थ्रू आपको बताऊँगा, एक इमेज आपको दिखाऊँगा, तो वहाँ आप इमेज पे फोकस कीजिएगा और जहाँ जहाँ कर्सर मेरा जा रहा होगा उसको देखिएगा, तो इंशाल्लाह चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ओके, अच्छा, यहाँ इस पिक्चर पे आप फोकस कीजिएगा और देखिए कि यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर जो है ये हेयर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर ये माउस मूव हो रहा है, ये पूरा हेयर है और ये नीचे का जो हिस्सा है ये हेयर रूट कहलाता है और ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है उसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। तो यहाँ रूट के अंदर भी कुछ हिस्से होते हैं, जैसे ये हेयर फॉलिकल्स है और जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है ये पेपिला ऑफ हेयर है। यहाँ से हेयर को ये ब्लड सप्लाई मिलती है डिफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू। कुछ आर्टरीज़ जो हैं यहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई दे रही हैं, वेंस जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से वापस ले करके जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हेयर का जो नॉरिशमेंट है वो यहाँ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इसको कुछ ब्लड वेसल्स ब्लड पहुँचा रही हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर की ग्रोथ ठीक ठाक तरीके से, नॉर्मल तरीके से होती रहती है। तो जैसे मैंने बताया कि ऊपर का जो पोर्शन होता है हेयर का, इसको हम शाफ्ट कहते हैं, जो अपर ऑफ द स्किन होता है, और जो अंडर द स्किन पोर्शन होता है पूरा, उसको हम रूट कहते हैं, जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, पेपिला ऑफ हेयर और हेयर फॉलिकल। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि हेयर ग्रोथ कैसे होता है, इसकी साइकिल को हमें यहाँ इस पिक्चर के अंदर समझना है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर के अंदर कि थ्री फेज होती हैं हेयर ग्रो होने की। फर्स्ट फेज जो है जिसको हम कहते हैं एनाजन, और दूसरी जो फेज है वो कहलाती है कैटेजन, और तीसरी फेज जो होती है उसको हम कहते हैं टेलोजन। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एनाजन फेज क्या है, इसमें क्या होता है। एक्चुअली जो ग्रोथ फेज है हेयर की वो यही फेस है जिसको हम एनाजन फेस कहते हैं, और इसी के अंदर यहाँ पर जो नॉरिशमेंट्स वगैरह ब्लड के थ्रू हेयर को मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ करता हुआ आगे बढ़ता है, वो एनाजन फेस के अंदर ही होते हैं। उसके बाद जब हेयर ग्रो हो जाता है तो सेकेंड स्टेज शुरू होती है जिसको हम कहते हैं कैटेजन, और यहाँ पर क्या होता है कि हेयर की जो ये फॉलिकल्स हैं, हेयर जो रूट्स हैं, यहाँ से इनकी ब्लड सप्लाई अब रुक जाती है, बंद हो जाती है, यानी कि अब जितना ग्रोथ हेयर की हुई है अब उससे आगे ग्रोथ हेयर की रुक जाती है, और यहाँ से इसका जो ब्लड सप्लाई, जो नॉरिशमेंट हेयर को मिल रहा था, वो अब यहाँ पर बंद हो जाता है। अब तीसरी स्टेज जिसको हम कहते हैं टेलोजन, इसमें क्या होता है कि ये ब्लड सप्लाई जब बंद होती है हेयर की, तो जाहिर है हेयर कुछ अरसे तक रहने के बाद फिर वो डेड होने लगता है, और डेड होने के बाद फिर वो यहाँ से निकल जाता है, गिर जाता है, जिसको हम कहते हैं हेयर फॉल। तो ये तीन स्टेज में हेयर की साइकिल होती है, जो कि नेचुरल है, जिसको हम कहते हैं हेयर साइकिल, जिसमें एनाजन, कैटेजन और टेलोजन। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर ये वाला हिस्सा, उसके बाद जब ये हेयर फॉल हो गया तो फिर दोबारा से ये इसकी जो रूट है उसमें ब्लड सप्लाई जाने लगती है, दोबारा से न्यू हेयर फॉर्म होता है, और ये जब न्यू हेयर फॉर्म होता है दोबारा से ग्रो होके ऊपर आ जाता है, और ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यू हमारी लाइफ के अंदर चलती रहती है। होता क्या है कि अगर ये जो थर्ड स्टेज है जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज या टेलोजन फेज, अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए या परमानेंट हो जाए, तो यानी कि यहाँ पर अब ब्लड सप्लाई इस हिस्से की बंद ही हो जाए, तो फिर क्या होता है, हेयर फॉल होने लगते हैं और फिर गंजापन, या जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, वो हो जाता है।
तो दोस्तों, जैसा आपने पिक्चर में देखा और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपने उसमें हेयर का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद उसकी पूरी एक आपको मैंने साइकिल दिखाई कि किस तरह से हेयर ग्रोथ होता है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर वो हिस्सा परमानेंटली ब्लॉकेज हो जाए, जिसमें आपकी ब्लड सप्लाई ही बंद हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? नो हेयर ग्रोथ, और जब नो हेयर ग्रोथ होगी तो फिर बॉल्डनेस हो जाएगा, या जिसको हम मेडिकल में कहते हैं एलोपेशिया या गंजापन हो जाएगा। अब एलोपेशिया की कुछ टाइप्स होती है दोस्तों, मैं दोबारा फिर आपको अपने लैपटॉप के ऊपर लेके चलता हूँ, उसको वहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको मैं दिखाऊंगा, जिससे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कहलाता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बाल आहिस्ता आहिस्ता पहले पतले होने लगते हैं और यहाँ यहाँ बीच में से गायब होने लगते हैं, और ख़ास तौर से ये मेल के अंदर इस तरह से यू शेप पैटर्न बन जाता है, यानी कि बीच में से ये पूरे बाल गायब हो जाते हैं और सिर्फ साइड साइड के बाल रह जाते हैं, एक यू शेप तरह का पैटर्न बन जाता है। तो ये इस तरह का गंजापन या इस तरह का एलोपेशिया, इसी तरह फीमेल में यहाँ बीच में से गायब होने शुरू होते हैं, बीच के बाल बहुत पतले और कम होने लगते हैं, इस तरह के एलोपेशिया को हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। उसके बाद आता है दोस्तों एलोपेशिया एरियाटा। इसमें क्या होता है, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जगह जगह से मुख्तलिफ हिस्सों से सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं, यानी कि एक सर्कुलर एरिया या ओवल एरिया के अंदर से बाल पूरे गायब हो जाते हैं, और ये इस तरह से पूरे हेड के ऊपर जगह जगह पर पैचेस बन जाते हैं, और उन पैचेस में से बाल गायब हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। उसके बाद आता है दोस्तों एलोपेशिया यूनिवर्सल। इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी के बाल गायब हो जाते हैं, ना कि सिर्फ आपके स्कैल्प या हेड के बाल, इसके अलावा आईब्रोज आप देख रहे हैं, एक्जिलरी हेयर वगैरह, बॉडी के जितने भी हेयर होते हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जो कि बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। इसके बाद आता है दोस्तों एलोपेशिया टोटलिस, और इसमें क्या होता है, टोटल हेयर लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्कैल्प यानी कि सर के ही बाल गिरते हैं, बॉडी के पूरे बाल नहीं लॉस होते, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। अब हम आते हैं दोस्तों कॉजेज़ क्या होते हैं हेयर फॉल के, उनको ज़रा हम देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आपने देखा उस पिक्चर के अंदर कि कितनी तरह का एलोपेशिया या बॉन्डनेस होता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हेयर फॉल या बॉन्डनेस होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। तो कॉजेज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं दोस्तों, एक हिस्सा होता है इसका इंटरनल कॉज, जिसको हम कहते हैं, और दूसरा हिस्सा कहलाता है एक्सटर्नल कॉज। तो इंटरनल कॉज में कुछ चीज़ें हैं जो आपके हेयर फॉल को दावत देती हैं, जैसे स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको रहता है, तो ये बहुत बड़ा मेजर कॉज है हेयर फॉल का, यानी कि फिर आपके बाल गिरने ही गिरने हैं। दूसरा है दोस्तों एनीमिया, अगर खून की कमी हो जाती है तब भी हेयर फॉल होने लगता है, आयरन की डेफिशिएंसीज हो जाए तो भी एनीमिया हो तो भी हेयर फॉल होने लगता है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं कुछ, यानी कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप जो डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसमें आयरन, उसमें फैट की तादाद जो है वो बैलेंस नहीं है, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों टाइफाइड, अगर किसी को होता है तो टाइफाइड के बाद आपने सुना ही होगा अक्सर हेयर फॉल होता है, या जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर है और पुरानी हो जाए शुगर, तो डायबिटिक पेशेंट को भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और डिजीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि फीमेल में होती है, और अगर ये डिजीज़ हो तो इसके बायस भी हेयर फॉल हो सकता है, या फिर आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगें तब भी हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कि प्यूबर्टिक एज के दौरान कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, जब इंसान बच्चे से बालिग हो रहा होता है या बलोगत की तरफ जाता है, या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं तब हेयर फॉल हो सकता है, या फिर मीनोपॉज के दौरान, यानी कि फीमेल में जब मेंसेस का आना बंद होता है तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, और उस वक्त भी आपको हेयर फॉल हो सकता है।
इसके अलावा एक हार्मोन होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं DHT, यानी कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये वो हार्मोन्स है कि अगर ये बॉडी में ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा होने के बाद जब ये हेयर फॉलिकल्स में आके जमा होता है और इसको ब्लॉकेज कर देता है, तो फिर वो हिस्सा कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है और डेड हो जाता है। उसकी जो ब्लड सप्लाई वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर जाहिर है हेयर जो है वो रीग्रोथ नहीं होता, और फिर हेयर वन बाय वन फॉल होते रहते हैं और गंजापन हो जाता है। तो ये कुछ कॉजेस थे जिनका ताल्लुक बॉडी से था, यानी कि इंटरनल साइड से आपके बॉडी से जिनका ताल्लुक था। इसी तरह कुछ एक्सटर्नल कॉजेस भी होते हैं जिसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, जिसमें सबसे पहले दोस्तों पॉल्यूशन, जो हमारे कराची में तो बहुत ज़्यादा है, जैसे डस्ट है, पॉल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का कॉज बनता है। इसीलिए जब भी आप बाहर निकलें, बाइक्स पे ख़ास तौर से अगर आप जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो आप कोई भी कैप लगा करके जाएं, जिससे आपका हेयर कवर्ड रहे और आपके बाल जो हैं वो डस्ट से और पॉल्यूशन से महफूज हो जाएं। या फिर शैम्पूज़, बहुत ज़्यादा हम लोग दोस्तों आजकल शैम्पूज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूज़ हैं जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं जो आपके बालों के रूट्स को कमज़ोर करते हैं, और जिसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। या फिर दोस्तों हेयर ड्रायर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से, या फिर हेयर स्ट्रेटनर जो लोग यूज़ करते हैं उससे भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं हेयर के लिए, कोई जेल वगैरह, कोई स्प्रे वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हेयर फॉल का कॉज बनता है। कुछ मेडिसिंस भी इस तरह की हैं दोस्तों कि जो हेयर फॉल्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे ब्लड थिनर्स कुछ मेडिसिंस हैं कि अगर पेशेंट कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहा है ब्लड को पतला करने की, जिसको हम ब्लड थिनर कहते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। या फिर कुछ फीमेल हैं ऐसी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, रोज़ाना जो पिल्स खाई जाती हैं जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। या जो कैंसर के लिए जो एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, जिसको कीमोथेरेपी कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है, टोटल हेयर लॉस हो जाता है। या फिर मेडिसिन कुछ इस तरह की आप ले रहे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, तो उनकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। ये वो फैक्टर हैं कि इनका ताल्लुक मेडिसिन से है, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अब दोस्तों हम आते हैं इस वीडियो के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर, यानी कि हेयर फॉल हमने समझा, हेयर की स्ट्रक्चर को हमने समझा, हमने ये भी देखा हेयर का साइकिल क्या है, उसके बाद उसके कॉजेस के ऊपर हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या सॉल्यूशन है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हमारे लिए हेयर फॉल के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसकी रूट पर जाएं, उसके कॉज को पकड़ें, और ये डिफरेंट पीपल में डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि कोई एक एग्जैक्ट कॉज नहीं है हेयर फॉल का, वो डिफरेंट पीपल में डिफरेंट हो सकता है, उसको हमें देखना होगा, उसी के हिसाब से फिर मेडिसिन हम उसको प्रेस्क्राइब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है, जैसे कि आप हमारी लास्ट वीडियो में इसका जिक्र आया था, आपने देखा होगा कि आर्निका मॉन्टेना, दैट इज़ अ जनरल रेमेडी फॉर हेयर फॉल। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो एक जनरल रेमेडी है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, और इसको आप 3 में या 3x में या 30 पोटेंसी में दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें कुछ अरसे तक, तो इंशाल्लाह आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है दोस्तों वो है एसिड फॉस, और एसिड फॉस उन लोगों के लिए कि जिनको हेयर फॉल जो है वो स्ट्रेस के बायस हो रहा है, जिनका काम बहुत स्ट्रेसफुल है, जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, और स्ट्रेस के बायस अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर एसिड फॉस जो है इसके लिए बेहतरीन दवा है। एसिड फॉस 30 में दिन में 3 दफ़ा कुछ अरसे तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह हेयर फॉल रुक जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हमारी फेरम फॉस, और फेरम फॉस उस कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी अगर हेयर फॉल आपको एनीमिया की वजह से, खून की कमी से, या आयरन डेफिशिएंसीज की वजह से हो रहा है, तो फेरम फॉस 6x में 12x में या 30 में आप यूज़ कर सकते हैं दिन में 3 मरतबा, और ये भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। उसके बाद है दोस्तों नक्सफामिका, और उसमें नक्सफामिका तब ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है कि हेयर फॉल आफ्टर यूजिंग एंटीबायोटिक्स, के बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ की गई या बहुत ज़्यादा इस तरह की एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ की गई,
और उसके बाद हेयर फॉल होने लगा, तो फिर नक्स फॉर्मिका इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू स्टॉप दैट हेयर फॉल। उसके बाद है दोस्तों ब्राइडाकार, और अगर बच्चों के अंदर हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि आम तौर से हम देखते हैं कि बच्चों में हेयर फॉल नहीं होता, तो बच्चों में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए ब्राइडाकार बेहतरीन दवा है। 30 पोटेंसी में दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बच्चों को दीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों कार्बोवेज हेयर फॉल आफ्टर एनी डिजीज़, किसी भी बीमारी के बाद, कोई लंबी बीमारी थी आपको, कोई लंबा बुखार था बहुत दिन तक चला, या कोई और प्रॉब्लम ऐसी थी काफ़ी लंबे अरसे तक आप बीमार रहे और उसके बाद जब आप रिकवर हुए इस बीमारी से तो हेयर फॉल होने लगा, तो कार्बोविज 30 बेस्ट मेडिसिन। 30 पोटेंसी में इसको दिन में 3 दफ़ा कुछ अरसे तक आप लेंगे तो इंशाल्लाह हेयर फॉल रुक जाएगा। उसके बाद है दोस्तों सीपिया हेयर फॉल आफ्टर डिलीवरी, फीमेल में अगर हेयर फॉल होने लगता है वो भी डिलीवरी के बाद, तो सीपिया जो है उसके लिए बहुत बेहतरीन दवा है। 30 पोटेंसी में आप इसको दीजिएगा और दिन में 3 दफ़ा कुछ अरसे तक दीजिएगा तो इंशाल्लाह हेयर फॉल रुक जाएगा। उसके बाद है दोस्तों थूजा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन मेडिसिन हेयर फॉल ड्यू टू डेंड्रफ। डेंड्रफ के बायस अगर हेयर फॉल हो रहा है, के साथ साथ आपको डेंड्रफ भी है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो इसके लिए थूजा 30 में आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल कराइएगा तो इंशाल्लाह हेयर फॉल रुक जाएगा। उसके बाद है दोस्तों फ्लोरिक एसिड या एसिड फ्लोरिक हेयर फॉल आफ्टर टाइफाइड फीवर, आपको टाइफाइड हुआ और टाइफाइड से आप रिकवर हो गए लेकिन आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप फ्लोरिक एसिड 30 में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह हेयर फॉल आपका रुक जाएगा। उसके बाद है दोस्तों फॉस्फोरस हेयर फॉल इन हैंडफुल्स, यानी कि जब हेयर फॉल बंचेज में होने लगे या पैचेज में होने लगे, जैसे एलोपेशिया एरियाटा का जिक्र मैंने किया था कि जिसमें जो हेयर फॉल होता है वो सर्कुलर बंचेज या पैचेज बन जाते हैं, ओवल पैचेज बन जाते हैं, और जब आपके बाल ऐसे हाथ में गुच्छे की तरह से आए, पूरा बंच आ रहा हो और पैचेज बन रहे हो हेड के अंदर, तो फॉस्फोरस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। 30 के अंदर आप लीजिएगा, 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा कुछ अरसे तक यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह हेयर फॉल रुक जाएगा। उसके बाद है दोस्तों नेट्रम्यूर, और नेट्रम्यूर उन फीमेल्स के लिए है, वो फीमेल जो बच्चों को फीड करा रही हैं और उनको उसके बाद हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो नेट्रम्यूर बेस्ट मेडिसिन है। इसको भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें कुछ अरसे तक तो इंशाल्लाह हेयर फॉल रुक जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ लोगों में जो हेयर फॉल होता है वो हेरिडिटरी होता है, यानी कि ख़ानदानी होता है कि पेरेंट्स से या फोर पेरेंट्स से या फोर फादर से वो चल रहा है, तो ऐसे लोगों में थूजा बेहतरीन मेडिसिन है हेयर लॉस ड्यू टू हेरिडिटरी प्रॉब्लम। तो उन लोगों को आप 30 या 200 में भी दे सकते हैं, अगर आप 30 में दे रहे हैं तो दिन में 3 दफ़ा और 200 में दे रहे हैं तो दिन में 1 दफ़ा, उसके बाद वंस अ वीक आप उनको देंगे तो इंशाल्लाह हेयर फॉल रुक जाएगा। उसके बाद है दोस्तों सेलेनियम, सेलेनियम भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए, ख़ास तौर से हेयर फॉल ऑल ओवर, जब पूरे बॉडी के ही बाल गिर रहे हों तो उसमें आप हेयर फॉल दे सकते हैं, जिसमें आईब्रोज के बाल भी गिर रहे हैं, बॉडी के हेयर भी गिर रहे हैं और सर के बाल भी गिर रहे हैं, तो सेलेनियम 30 में दिन में 3 दफ़ा आप यूज़ कराइएगा तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों विस बैडन, ये बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है हेयर की ग्रोथ के लिए, और जिन लोगों को हेयर फॉलिकल जिनके क्लोज हो जाते हैं यानी कि बंद हो गए, जिनका न्यूट्रिशन ही बंद हो गया और अब हेयर ग्रोथ ही नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो उनके लिए भी विस्बैडन बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ फीमेल को शौक़ होता है कि बाल लंबे करने हैं, बालों को घना करना है या बालों में चमक लानी है, तो उसके लिए भी विस्बैडन बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप यूज़ करें, मर्द और ख़वातीन दोनों यूज़ कर सकते हैं, इससे ये होगा कि आपके बाल स्ट्रांग होंगे, बालों में एक नेचुरल लस्टरनेस आएगा, चमक आएगी और घने बाल आपके हो जाएंगे। विस्बैडन 30 में दिन में 3 दफ़ा कुछ अरसे तक आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसका टॉपिक था हेयर फॉल एंड होम्योपैथी, और उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टिल वी मीट अगेन, स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी, अल्लाह हाफिज़। प्रोडक्शन ऑफ वेब अट्रैक्टिव.com।